तीन चीज आ रही, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, पहला पक्का भरोसा, दूसरा सेवा, दूसरा सेवा, तीसरा सुमरण सार, तीसरा है सुमरण, पक्का भरोसा, दूसरा सेवा, तीसरा सुमरण। आप सुमरण को तीसरे नंबर पर रखा है, इसलिए मैंने कई जगह पर लिख रखा है सेवा सुमरण से भी उत्तम है। जो सेवा है वो सुमरण से भी उत्तम है। ये सदगुरु दरबार है, ये कोई कैद खाना नहीं है। मैं हमेशा क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि ये आदमी किस तरह की सेवा करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग बोल्ड हैं, तीनों सेवा कर सकते हैं। मैंने गुरु की तीनों सेवा की, तन से भी, मन से भी और धन से भी। दृढ़ प्रतीत क्या है, इसका क्या संबंध है भक्ति से? दृढ़ प्रतीत का धातु क्या है? विश्वास कैसे उत्पन्न हो? मन यानी आपके काबू, आपका जो संकल्प हो मजबूत हो, हां कि ना इधर के उधर, वो संकल्प नहीं चाहिए, उसका पहले डिजायर पावर स्ट्रांग चाहिए। दूसरा, उसमें फैसला करने की ताकत अच्छी हो, रॉन्ग डिसीजन नहीं ले, अपने अंदर नेगेटिव थिंग आए उनको रोके, जो इच्छा किया उसको पूरा करने के लिए काफी ज्यादा सतर्क हो। तीसरा, चित्त, उसकी मेमोरी अच्छी हो। अगर मेमोरी कमजोर है तो आदमी किसी भी काम का नहीं है, डिबेट्स हो, बाकी चीज हो, मेमोरी अगर आदमी है, इंटेलिजेंट है। और चौथा, क्रिया करने की क्षमता यानी तेजी, जो आपने निर्णय लिया उसको दृढ़ संकल्प के साथ में फास्ट और बड़ा तेज। आपने विश्वास ही तो किया जब मैं चौथे लोग की बात की, तभी तो भक्ति की आपने ना। अगर नहीं करना था तो आपके पूर्वज तीन लोग तक की भक्ति देवी देवताओं की कर रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे, तीर्थ कर रहे थे, आपको सब छोड़ा, आपने एक भरोसा ही तो किया ना, तभी तो मैं आगे बढ़ा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई मेरा सत्संगी अपनाने के बाद भी थोड़ी घटना हो जाती है तो आना जाना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए घर में डेथ हो गई तो कहता है हमें वहां कुछ नहीं मिला। अब मैं ये बता रहा हूं, जो शिवजी की भक्ति कर रहा है क्या उनके घर वालों की डेथ नहीं हो रही? क्या किसी और पंथ की भक्ति कर रहा है उसके परिवार के लोग इस शरीर के साथ अमर है? दृढ़ विश्वास, चाहे कुछ भी हो, जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। भारत जैसा सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ किसी भी दुनिया के देश में नहीं है, किसी में भी नहीं। पति पत्नी, चाहे पत्नी बूढ़ी हो जाए, कैसी भी हो जाए, आदमी उसको नहीं छोड़ता है, पूरा जीवन गुजारता है। वहां तो 80-80 साल का आदमी 16-16 शादियां किया है, 16। इसलिए सोशल लाइफ बहुत जबरदस्त है देश की। उनका ये मानना है अगर हम अपनी पत्नी को छोड़कर और साइड गए तो नर्क के भागी हो जाएंगे, वो तो इसको इंजॉय बोल रहे हैं। तो ये दृढ़ विश्वास रहे कि नहीं, गुरु को परमात्म करमाने, दूसर भाव हृदय न आने, उनके मुखारविंद से निकले हर शब्द को इम्प्लीमेंट करें और ये माने यही फाइनल है, इसके अलावा मेन में कुछ भी नहीं। जब हम गुरु को राय दे रहे हैं इसका मतलब है हमने अपने को अकलमंद माना, उनको कम अकलमंद माना।
अब उनको क्यों अकलमंद माना वो सुनना, मैं बताता हूँ, उनको राय नहीं देना। वो उस सत्ता से जुड़े हैं, उसी सत्ता के द्वारा काम करते हैं। नानक देव जी भी कह रहे हैं, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो, जैसे उसकी आवाज आती है मैं वैसा ही करता हूं। देखो साहब ने क्या कह दिया, अलग पुरुष की आरसी संतन के हृदय लखा जो चाहे अलग में उन्हीं को लख ले, दूसरा भाव हृदय ना आने। साहब ने तो कितना कह दिया, गुरु गूंगे गुरु भावरे गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस्था। ऐसा क्यों, नहीं तो तुम पार नहीं हो सकते हो, तुम में आस्था नहीं आ सकती है, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा, इसलिए यकीन। अब आप विश्वास का धातु समझ गए होंगे कि क्यों जरूरी है, ये कर प्रतीत मिलाऊ तो है। दूसरा सेवा, सेवा क्यों, सुसेवा बस साहेबा, तुम्हारा दास नहीं बनना है, तुम्हारा दास बनने से कोई फायदा नहीं, तुम तो विदेह हो, इसलिए ना रोटी खिला सकता हूँ, ना तुम्हारा और खिदमत कर सकता हूँ, ना सेवा कर सकता हूँ, तुम कृपा करना अपने दासों का दास बना देना, दासानु दास, जो तुम्हारे दास हैं उनका दास बना दे बस। वाह, इस महामंत्र को याद रखना, मेरी कोई सेवा नहीं कर सकता। मैं यात्राएं ले जाता हूं, एक घंटे में सबका भोजन बना के खिलाता हूं, ये संगत की सेवा। तीसरा ध्यान रखना, सुमरण, यानी हमारे यहां सुरत योग है, हमारी उपासना पद्धति क्या है, सिर्फ सुरत योग। आपको कभी नहीं बताया सुबह 4 बजे उठ के नहाना, नित्यनेम ये करना, कुछ नहीं बोला, ठाड़े बैठे पड़े उतारने, बस सूरत संभालना, इसी के अंदर पूरा मसौदा है, इसी में अंदर की दुनिया को देखने की आंखें हैं, इसी में अंदर की दुनिया में बढ़ने का है, इसी में सब कुछ रहस्य है। इसलिए मैंने आपको कहा बस सूरत संभालना। साहब कह रहे हैं, सूरत संभाले काजे तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। ये है पद्धति। आपको मैं किसी पाखंड में नहीं उलझाया कि एक पट्टी बांधना, एक नारियल लाना, धूप लाना, ये सब भौतिक चीजें, वाहन से वे हरी मिले तो मैं से हूं पहाड़। साहब ने इन सबको कंडेम्ड किया, नहीं कहा कि 4 बजे नहाकर और ध्यान में बैठ जाना। लागी रहे पली पल में ले अजूबा, इसलिए सूरत संभालना। अब गुरु भक्ति में जो रुकावट, पहले बाहरी बहुत रुकावट है, फिर आंतरिक बहुत रुकावट है। मैं आपको दोनों रुकावटें समझाऊंगा। सबसे पहले बाहरी रुकावट क्या है, ये निरंजन का देश है। मैं आपको एक बात बड़ी बारीक बता रहा हूं, जब आप साहब की भक्ति में आएंगे पूरी दुनिया आपसे अनायास से ही दुश्मन बनेगी। ऐसी दुश्मन बनेगी आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब मैं पूछूंगा दुनिया क्यों दुश्मन बनेगी, तो आप कई जवाब देंगे पर आप उस पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे, लोग कहेंगे, धर्म छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, और चीज छोड़ दी, आप ऐसे ही जवाब देंगे। सुनो, सबके अंदर मन निरंजन है, वो उसको समझने नहीं देगा, अंदर से बड़ी ताकत लगाएगा घृणा के लिए। तो पहली ये फाइट है, आपसे लोग नफरत करेंगे।
हाँ डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? बेमतलब, वो बेमतलब नहीं है, सुनो। जब साहब पहले धरती पर आए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मा ध्यान से सुनने लगा। आगे देखना, मैं धर्मदास जी को धन्यवाद दूंगा, उसने साहेब की हर वाणी लिपिबद्ध की। उस समय न टेप रिकॉर्डर था, न कैमरा था, न मोबाइल था, भोज पत्रों पर साहेब की वाणी लिखते गए। वो महाजन थे, बनिए थे, बनिए लिखा पढ़ी में काफी आगे होते हैं। आज वो वाणियां, इनकी पूरी हस्तलिपियां मौजूद है कॉपीराइट से। किसी भी चीज के कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जिसने पुस्तक लिखी वो एक रजिस्ट्रेशन कराता है, गवर्नमेंट को पैसे देता है कि ये मेरे, ये राइट्स है, ये मेरी चीज़ है, इसको कोई और प्रकाशित नहीं कर सकता। नहीं तो मैं किताब कभी की छपाना था। अभी ये किताब 1000 रुपये में आती है, मेरे हिसाब से ये किताब 200 रुपये की है, पर इसके पास कॉपी राइट्स है। मैं सेम टू सेम ऐसी किताब नहीं छपा सकता। तो साहब जब सतलोक से आए धरती पर, तो साहब कह रहे प्रथम आयो चतुरानंद के पास, यहां तक के तीनों पुत्रों से आदिशक्ति ने परम पुरुष का भेद छिपाया, सिर्फ विष्णु को निराकार दिखाया था, कहा वो नहीं दिखेगा, ज्योति दिखाई थी। आया चतुरानंद के पासा, पहला बोला मैं चतुरानंद, साहेब आदिशक्ति से नाराज नहीं है। साहेब कह रहे पहले मैं ब्रह्मा के पास गया, तासे कीन शब्द प्रकाशा, उसको मैं सतलोक का संदेश बोलने लगा। ब्रह्मा चिद्दे सुनबे लीना, ब्रह्मा जी चित देकर सुन रहा था। पूछो बहुत पुरुष को चीना, परम पुरुष के लिए पूछ रहा था कैसा है। सुनना अभी बहुत पते की बात है, आप यह समझना। तभे निरंजन कीन उपाय, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मोरी जाई। निरंजन सोचा मेरा बड़ा पुत्र ही अगर सतलोक के चक्कर में फंस गया तो सभी जीव फिर उधर ही जाएंगे, मेरा तो काम ही पूरा बिगड़ जाएगा। बाली ने सोचा है, बली ने सोचा यार इतना बोना सा तो है, छलांगे भी लगाएगा तो 2-3 बीघा होगा और क्या है। बोला हे विप्र मैं संकल्प करता हूं दूंगा। फिर उसने विराट रूप कर दिया, एक पैर से पूरा पाताल नाप दिया, एक पैर से पृथ्वी नाप दी पूरी, एक पैर से पूरा आकाश नापा। बोला आधा कदम और चाहिए। बोला मेरे पास इतना ही है, 3 लोग मेरे अधीन है। बोला अपना शरीर नाप कर दो। तो आधा शरीर नापा कर लिया। बोला अब तुम मेरे हो, और पाताल में भेज दिया। बलिचायो वैकुंठ को भेज दियो पाताल, ऐसे ऐसे छलू है। ये किताब मैंने प्रिंट नहीं किया, ते कारण पातल है जीना, अंधा जीव कहे प्रकट न चीना। तब ले पीठ न पाए तेहन दीना,
हरी लेता है पता ले कि ना, पीठ न पाकर उसने दिया था अपना शरीर। ये सब चलने हरिश्चंद्र आदि किसी का इसने मूर्ध्वज आदि सबको धोखा ही दिया। साहब कह रहे ताको कहे मुक्ति हम देना, भक्त अनेक जगत में भयो काहू को वैकुंठ में देव। किसी को ठिकाने नहीं लग दिया। आइए हम आगे चलते हैं। दुनिया में दसों दिशा में लागी आग कहे कबीर कह जाइ होगा, बस एक कोशिश करना अपनी तरफ से पहल करके किसी को दुख मत देना। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते हैं, ये सिद्धांत है मेरा। तो आइए, मैं जानता हूं इसमें बड़ी निंदा होगी, घोर क्यों होगी, सबसे बड़ा कॉज यही है कि निरंजन अंतर बैठा है, वो नहीं चाहता है कि कोई बंदा साहिब की भक्ति पकड़े। अगर पकड़ लेता है वो जानता है ये तो पार है, पर उसको चैतन्य नहीं होने देता है ताकि औरों को समझा सके। ठीक है, ये निरंजन का खेल है। अगर चैतन्य भी है तो वो समझने नहीं देगा। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। इंसान के अंदर जो भी कल्पनाएं उठ रही है, पहले किसी ने परमात्मा का जिक्र नहीं किया, आदमी के अंदर उठी। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं सतलोक गया, समस्त हंस मिले, मैं जब वहां गया मुझे ये नहीं लगा पहली बार आया, मैं कहो मैं तो यहां था, बोला हां यही स्वप्न है संसार। जब आत्मा परम लोक में जाती है तो उसको यह नहीं लगता है पहली बार आया हूं, याद आ जाता है तो यही था। आपका विरोध होगा, दूसरा क्यों होगा, क्योंकि अंदर बैठा है निरंजन, समझ नहीं दे रहा। आपका विरोध आपके घर से शुरू होगा, बाप भी कहेगा, घर वाले भी कहेंगे। इसलिए साहब पहले क्या करें, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब हुए। कुल का भय सबिन को भारी, समझ गहो ताको नर नारी। शेर के पास गई, कहा तुम जंगल के राजा हो, मैं अकेली पड़ गई हूं, मेरी रक्षा करो। शेर ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो शरणागत है। उसका मंत्री हाथी था और सेनापति चीते फीते, उनको बोला जंगल में ऐलान करो ये हमारी बकरी है, इसको कोई नहीं छुएगा। वो बकरी मस्त घूमती थी। इस तरह आप मस्त घूमो, आप पर टोना टोटका जादू झड़ी बाकी कुछ नहीं लग सकती है, क्योंकि आप पर साहब का हाथ है। ये कोई खेल ऐसे ही हम बचकाना नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले किसी देवी देवता की उपासना करते थे वो नाराज नहीं होगा, पता है वो जानते हैं नाम पोछा है, वो जानते हैं गुरुमुख बनना है, बस बाकी ऑटोमेटिक होता जाएगा। इतने इतने खतरनाक लोगों को नाम दिया, इतने इतने हिंसक, इतने इतने कैरेक्टरहीन लोग निराले हो गए, अजीब हो गए। तो भाइयों ये नाम की ताकत। सुनो अन्यायी काटो फंद, जीव जीव ले जाइए, बोला मैं मुक्त कर। जेतिक फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द से सब है बिचारी, बोला सबको काट दूंगा। जौन जीव में शब्द लड़ाबब, फंद तुम्हार सकल मुक्ताबब। जब जीव ची नहीं शब्द हमारा, तजे भ्रम सब तोर पसारा, सत्य नाम जीवन समझायब, हंस उबार लोक ले जाए। देखो साहब क्या करे, निरंजन ने कहा कोई नहीं निकलेगा, बोला हे निरंजन सुन, जिसको मैं नाम दे दूंगा तेरा पूरा छल उसको अंदर से समझ में आएगा, तेरे पूरे बंधन और बहम काट देगा। थोड़ा अभी देखते हैं, अभी कोई बहम है क्या, उसको मानो इसको मानो, है क्या कोई बहम? ये तुमने नहीं किया, वो नाम की ताकत अंदर से अंतःकरण शुद्ध कर देगी, साहब बोल रहे हैं। और यही है फिर क्या, देह दृढ़ है शब्द, दयाशील क्षमाधनी, सहशील संतोष पसारा, आत्म पूजा गुणगनी। पुरुष सुमरण सार बीरा, नाम अमचल गावही, शिष्ट भरे पांव देके हंस लोक से धावे। हे निरंजन साहब कह रहे ताके निकट काल नहीं आवे,
संध देख ताको शर्मा गए। आप खुद देखो, आपने अपना दिल शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं किया, साहब कर दिया। देखा कितनी चेंजिंग है। मैं क्यों कहता हूं मेरे पास जो है दुनिया में कहीं नहीं, मैं कोई अहंकारी नहीं हूं, ये प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूं।